नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। गंगा दशहरा को लेकर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। व्यवसायी से लाखों की लूट मामले की जांच करने नवगछिया पहुंचे जोनल आईजी विनोद कुमार, कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। भागलपुर बीएन कॉलेज में दूसरे छात्र के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई चढ़ा पुलिस के हत्थे, कॉलेज प्रशासन ने अपनाया सख्त रवैया। नामांकन में त्रुटियों को लेकर विश्वविद्यालय में हुआ जमकर हंगामा, कुलपति ने नामांकन प्रक्रिया पर लगाई रोक। और उत्पाद विभाग और नाथनगर पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में शराब के साथ युवक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। गंगा दशहरा के अवसर पर भागलपुर के बरारी गंगा घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा को लेकर पवित्र गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था का सैलाब ऐसा कि लोग तेज धूप व गर्मी के बावजूद गंगा में डुबकी लगाने गंगा घाटों पर पहुंचे। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हस्त नक्षत्र में पृथ्वी पर गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था और इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा को मुक्ति का मार्ग भी माना जाता है और प्रत्येक पूजन एवं शुभ कार्य से पूर्व लोग गंगा स्नान करते हैं। इस अवसर पर भागलपुर समेत विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन कर दान भी किया। भागलपुर जिला नवगछिया के रंगराज चौक के समीप मक्का व्यवसायी से लूट मामले की जांच जोनल आईजी विनोद कुमार ने की। मंगलवार की शाम आईजी रंगरा थाना पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही घटना के बिंदुओं पर भी बारीकी से जांच की। आईजी ने एसपी निधि रानी से लूट मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। जांच के दौरान आईजी ने पीड़ित व्यवसायी से भी पूछताछ की। आईजी ने पिछले एक माह के दौरान हुए हत्या, लूट, डकैती सहित कई मामलों की समीक्षा की और लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर काफी गंभीर दिखे। आईजी ने कहा कि व्यवसायी से लूट मामले में कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं आईजी ने नवगछिया एसपी को बढ़ते अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। घटनास्थल पर जाकर मैंने जांच की है और भी जो बयान भी लिया है इसमें जो इन्वॉल्व हैं और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बैंक वाले से भी पूछताछ हो रही है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा गहराई से जांच करने की आवश्यकता है, इसीलिए कुछ समय लगेगा। जांच करने दीजिए, उसके बाद एसपी इसको डिस्क्लोज करेंगे कि क्या है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई भागलपुर नेशनल कॉलेज इन दिनों अपने कार्य को लेकर काफी सुर्खियों में है। अब जाकर यहाँ नकलची पर भी नकेल कसी जा रही है। बुधवार को कॉलेज में स्नातक की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को कॉलेज प्रशासन ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल भागलपुर बीएन कॉलेज में स्नातक पार्ट वन सब्सिडरी विषय की परीक्षा चल रही थी, जिसमें छात्र नीतीश कुमार की जगह अभय कुमार नामक युवक परीक्षा देने बैठा था। परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक ने बारी बारी से सभी छात्रों के एडमिट कार्ड की जाँच की। जाँच के दौरान एडमिट कार्ड में दूसरे की फोटो देखकर केंद्राधीक्षक को शक हुआ। इसके बाद केंद्राधीक्षक ने परीक्षा दे रहे युवक से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक ने दूसरे छात्र के बदले परीक्षा देने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने फर्जी परीक्षार्थी को ललमटिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में कदाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर कॉलेज प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 तदनुसार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आदेश के अनुपालन में बीएन कॉलेज में स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन हो रहा है। कोई भी छात्र जो कदाचार करते पकड़े जाते हैं उन्हें कानून के प्रावधान के तहत निष्कासित किया जाता है। आज एक छात्र दूसरे छात्र के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गए और उसे निष्कासित करते हुए और हम लोगों ने उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया। छात्रों से अपील है कि वो महाविद्यालय प्रशासन को स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करें, जिससे कि उनके भविष्य भी
अच्छे होंगे। स्नातक में नामांकन को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सत्र 2019-20 के लिए जारी सूची में कई त्रुटियां सामने आने के बाद पिछले दो दिनों से छात्र परेशान हैं। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता छात्रों के समर्थन में आगे आए और कुलपति कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारी से छात्र नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं हंगामा बढ़ता देख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराया। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह ने छात्रों को समस्या समाधान का भरोसा दिया। कुलपति ने कहा कि राज्य सरकार से जो पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ उसी के आलोक में फिर से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। प्रोफेसर LC शाह की माने तो करीब 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने गलत फॉर्म भर दिया था, जिसके कारण नामांकन प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो गई। हम लोग जब आंदोलन किए विश्वविद्यालय में BC का घेराव किए, उसके बाद हम लोग को आश्वासन नहीं, नामांकन को तत्काल रोक दिया गया और कहा गया कि नई सूची जारी होगा। तब जो है हम लोग का मांग जो था उसको पूरी तरह कुलपति ने माना और कहा कि जो है गलती हुआ है। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उत्पाद विभाग और नाथनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से पासी टोला में सघन तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लीटर देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बुधवार की सुबह पासी टोला इलाके में शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग की टीम को मिली, जिसके बाद उत्पाद निरीक्षक नीलकमल मिश्रा, नाथनगर इंस्पेक्टर अली शाबरी और ललमटिया थानेदार बबलू कुमार ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ इलाके में सर्च अभियान चलाया, जिसमें एक घर से 16 लीटर देशी शराब कैन वीयर के साथ अजय कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं अमरपुर पुलिस के द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 11 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में लगने वाले जाम को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। पदाधिकारियों की ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में सक्रिय दिखे। शहर में ऑटो परिचालन के लिए 9 रूट तय किए गए हैं। इन रूटों पर पुलिस प्रशासन 10 दिनों तक प्रयोग करेगा। प्रयोग सफल रहा तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। वहीं भागलपुर के गुरहट्टा चौक, ततारपुर चौक, स्टेशन चौक समेत कई रूटों पर पुलिस के जवान बदले गए रूट की जानकारी वाहन चालकों को देते दिखे। साथ ही बाइक चालकों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की नसीहत दी। दक्षिणी क्षेत्र की जो टेम्पू आ रही है उसको गोराटा से मुड़ना है, तो अभी पहले का आदत बना हुआ है, लोग पुल पर चला जाता था, तो उसी को यहीं से घुमा दिया जा रहा है और जरलाही तरफ से जो आ रहे हैं वो यहीं से बैक कर दिया जा रहा है हबीपुर वाले को। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। कला केंद्र पूर्ववर्ती छात्र संघ के सदस्यों ने कला केंद्र के विकास, जीर्णोद्धार एवं मदद प्रदान करने की मांग को लेकर बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी से मुलाकात की।
संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर भागलपुर कला केंद्र को आर्ट डिग्री कॉलेज की मान्यता देने और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के साथ आर्ट डिग्री की पढ़ाई कराने की मांग की। इसके अलावा भागलपुर में कलाकारों और कला गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गैलरी का निर्माण कराने के साथ केंद्र के वित्त व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही। साथ ही कला केंद्र के प्राचार्य आवास पर अनाधिकृत लोगों द्वारा कब्जा कर लेने और अविलंब प्राचार्य आवास को मुक्त की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में अमृता सिंह, डॉक्टर सुधीर मंडल, शशि शंकर, गुलशन कुमार और राहुल मौजूद थे। कला केंद्र की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई। प्रशासनिक असहयोग, विश्वविद्यालय का असहयोग और यूं कहा जाए कि भागलपुर के लोगों का भी असहयोग के कारण कला केंद्र की स्थिति बिगड़ती गई। तो हम लोग ने दुर्दशा देख हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग इकट्ठे होकर इसके विकास के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ योजना बनाई जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कमिश्नर से मिलकर एक ज्ञापन दिया है। मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था और कुछ ऑफिशियल या विभागीय जो प्रॉब्लम होता है वो बोली जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं मुझसे होगा मैं जरूर, हाँ प्रेक्षा गृह नहीं, हम लोग तो उसको कॉलेज जो कॉलेज की मान्यता दिलाने की भी कोशिश है। प्रेक्षा गृह तो बात पहले हमें कॉलेज तो हमारा कॉलेज कॉलेज के रूप में आए। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सब विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत में धारा 376 फोर पॉक्सो एक्ट और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए भागलपुर के शैलबाग अलीगंज निवासी डॉक्टर विद्याकांत झा को सजा सुनाई गई। एडीजे प्रथम ने डॉक्टर विद्याकांत झा को फोर पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा एवं ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई, जबकि 8 पॉक्सो एक्ट में 4 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों ही मामले में 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दरअसल घटना 22 मार्च 2017 की है, जब बबरगंज थाना क्षेत्र के शैलबाग अलीगंज में डॉक्टर विद्याकांत झा के यहाँ इलाज कराने गई दो नाबालिग बच्चियों के साथ डॉक्टर ने गलत हरकत की, जिसको लेकर 18 अप्रैल 2017 को थाने में मामला दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि 25 जनवरी 2018 को मामले में आरोप का गठन हुआ और 31 मई 2019 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आज जो है हमारे कोर्ट में पॉक्सो एक्ट में सजा हुआ है डॉक्टर विद्याकांत झा के द्वारा 22/3/17 को ये घटना मतलब हुई थी और उसमें जो है तो विद्याकांत झा को 4 पॉक्सो और 8 पॉक्सो में चूँकि दो बच्चियों के साथ उनके साथ छेड़खानी की गई थी दोषी पाया गया था 31/5/19 को और सजा के बिंदु पर आज थी, तो जिसमें 4 पॉक्सो में 10 साल की सजा हुई और ₹10,000 फाइन और 8 पॉक्सो में उनको 4 साल की सजा हुई। दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी, एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा चालू होगी और नहीं देने पे फाइन नहीं देने पे 3-3 माह की अतिरिक्त मतलब उनको कैद। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में कोचिंग संचालक शिक्षक संजीत कुमार साह पर नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में बुधवार को फरार चल रहे शिक्षक भोजपुर महगामा गोड्डा निवासी संजीत कुमार साह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मामले में शिक्षक के खिलाफ धारा 354B और 8 पॉक्सो की धारा लगाई गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने जेल भेज दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को नाथनगर के नूरपुर में कोचिंग संचालक शिक्षक संजीत कुमार पर नाबालिग छात्रा के परिजनों ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से शिक्षक फरार चल रहा था। बांका के बौसी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दिया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए वाराहाट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने पुनसिया जा रहे थे। इसी दौरान बौसी वाराहाट के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे ऑटो सड़क के नीचे खेत में जा गिरा। इस घटना में 3 व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज
के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। कहलगांव थाना के हाजत में शराब के नशे में लाए गए युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसएसपी आशीष भारती ने एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाने के दो दरोगा और एक चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बिना जांच के ही युवक को हाजत में बंद कर दिया गया था। वहीं हाजत के अंदर युवक ने गमछा से फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया था। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले ऑफिसर विद्या सिंह, दरोगा कमलजीत कुमार और चौकीदार योगेश को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि 9 जून को युवक शराब के नशे में घर में झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद युवक की मां ने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। युवक ने गिरफ्तारी से आहत होकर हाजत में आत्महत्या कर लिया था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में अवैध कब्जा जमाए छात्रों की अब खैर नहीं है। हॉस्टल में कब्जा जमाए 5 छात्रों की डिग्री रद्द करने के प्रस्ताव को परीक्षा बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि 17 जून तक अगर छात्र समय पर हॉस्टल खाली कर देते हैं तो उसकी डिग्री विश्वविद्यालय प्रशासन रद्द नहीं करेगा। वहीं हॉस्टल खाली नहीं करने वाले छात्रों की डिग्री स्वतः रद्द मानी जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि विश्वविद्यालय का काम छात्रों का डिग्री रद्द करना नहीं है, डिग्री देना है। लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद, बार बार सूचना देने के बाद, बार बार आग्रह करने के बाद कुछ लड़कों ने खाली नहीं किया हॉस्टल, तो लाचारी बस परीक्षा बोर्ड में रखकर 5 लड़कों का की डिग्री रद्द करनी पड़ी। फिर भी उनको मौका दिया गया है कि 17 तक अगर आप खाली कर देते हैं तो डिग्री रद्द नहीं होगी, और 17 तक खाली नहीं होता है तो डिग्री स्वतः रद्द हो जाएगी, उसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी लड़के का की डिग्री रद्द की जाए, ये कोई अच्छा संकेत तो है नहीं। लेकिन बरसों से ये है, पड़ा हुआ है हॉस्टल में, अरे कोई दूसरा काम करो, और भी दुनिया में है, कमीशन में जाओ, खेती गृहस्थी करो, माता पिता को मदद करो, हम इन कार्यों में क्यों पड़ गए? अवैध तो अवैध ही होता है, गलत तो गलत ही होता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नए वित्त पदाधिकारी विजयमल प्रसाद सिंह ने पदभार ग्रहण किया। नए एफओ विजयमल प्रसाद सिंह के पूर्व विश्वविद्यालय में हरिकेश नारायण सिंह वित्त पदाधिकारी थे। विजयमल प्रसाद सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वित्त से जुड़ी सभी फाइलों का ससमय निष्पादन करना है, साथ ही संचिका अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार वित्त सेवा से रिटायर्ड विजयमल प्रसाद सिंह सीनियर सेल टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं और इनके पास वित्त संबंधी कार्यों का लंबा अनुभव है। भागलपुर के प्राचीन चुनिहारी टोला स्थित प्राचीन खाटू श्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन कथावाचक वाल व्यास अनुराग कृष्ण दाधीच ने भागवत कथा प्रसंग पर प्रवचन किया। वृंदावन से आए कलाकारों ने श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग पर नित्य नाटिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान श्याम भक्तों ने जमकर फूलों की होली खेली। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने भागवत कथा के साथ कृष्ण सुदामा की लीला का आनंद लिया और भगवान श्री कृष्ण और खाटू श्याम की भक्ति में झूमते दिखे। इस मौके पर राहुल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष खाटू श्याम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और इसमें भागलपुर, गोड्डा, दुमका, पटना समेत कई जगहों से श्याम भक्त शामिल होते हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। गंगा दशहरा को लेकर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। व्यवसायी से लाखों की लूट मामले की जांच करने नवगछिया पहुंचे जोनल आईजी विनोद कुमार, कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। भागलपुर बीएन कॉलेज में दूसरे छात्र के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई चढ़ा पुलिस के हत्थे, कॉलेज प्रशासन ने अपनाया सख्त रवैया। नामांकन में त्रुटियों को लेकर विश्वविद्यालय में हुआ जमकर हंगामा, कुलपति ने नामांकन प्रक्रिया पर लगाई रोक। और उत्पाद विभाग और नाथनगर पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में शराब के साथ युवक गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।